Hello everyone. Today we will discuss exercise 11.2 solution. Exercise 11.1 we have already discussed. You can check in playlist. Now let's see question number 1. The price of a computer was ₹25,000. At a computer fair, Irfan bought the computer at a discount of 15%. How much was the discount given to Irfan? B part, how much did he pay for the computer? Price of computer 25,000 है, discount 15% है. आपको बताना है कितना discount उसको मिला और discount के बाद कितने पैसे में उसने खरीदा. So let's see, price of computer. Equal to ₹25,000. Discount is given, that is equal to 15%. Discount is given in percent. Now we will find in rupees. Discount equal to, जैसे percentage में हम करते थे वैसे ही discount में हम करेंगे. कैसे? किसके ऊपर मिला 15% डिस्काउंट? प्राइस के ऊपर. मींस 15% ऑफ प्राइस, दैट विल बी इक्वल टू 15. परसेंटेज रिमूव करेंगे तो डिवाइड बाय 100 इनटू प्राइस इज 25,000. जीरो टू जीरो कैंसिल, वी विल गेट 15,000. 15 5 is 75. 15 2 is 30 plus 7 37. ₹3,750. This is discount. Now we have to find out Irfan paid for the computer equal to 25,000 minus 3750. When we will subtract this, then we will get 0, 10 minus 5, 5, 9 minus 7, 2, 3 minus 2, 1, 2, 21,250. This is amount which Irfan will pay for the computer. Now question number 2. Sia bought a bag of wheat which costs ₹1,500. She got 10% discount on it. How much did she pay for it? सिया ने एक बैग खरीदा गेहूं का जिसकी कॉस्ट 1500 है. शी गो 10% डिस्काउंट, इसके ऊपर 10% उसको डिस्काउंट मिला है. आपको बताना है कि वो कितना पे करेगी. तो देखिए, उसमें आपसे डिस्काउंट पूछा था फर्स्ट क्वेश्चन में, इसलिए आपने 10% निकाला. अदरवाइज डायरेक्ट इसके लिए फॉर्मूला होता है अगर पूछा गया हो कि कितना पे करना है, तो यू विल राइट This is marked price. Actual में ये क्या होता है? Marked price है ये. Marked price of a bag of wheat that is equal to ₹1,500 and discount is given. Discount is given in percent. 10%. Now Sia paid for wheat equal to, इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है? Marked price MRP into
माइनस डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट परसेंटेज में हो तब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम, डिवाइड बाय 100, दैट विल बी इक्वल टू 1500 इंटू 100 माइनस 10 डिवाइड बाय 100, दैट विल बी इक्वल टू 1500 इंटू 19 डिवाइड बाय 100, 20 टू 20 कैंसिल, देन वी विल गेट 15 9 135, आफ्टर दैट 10, रुपीज 1350, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, रोहित हैज रुपीज 100, द प्राइस ऑफ अ वॉटर बॉटल इज रुपीज 60, इफ रोहित गेट्स 20% डिस्काउंट कैन ही बाइज टू वॉटर बॉटल्स। रोहित के पास 100 रुपीज है, एक वॉटर बॉटल की कॉस्ट 60 रुपीज है जिसपे 20% डिस्काउंट मिल रहा है। आपको बताना है क्या वो 100 रुपीज में टू वॉटर बॉटल खरीद सकता है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 60 रुपीज से 20% डिस्काउंट निकाल के देखते हैं कि 1 बोतल की कॉस्ट क्या होगी। द मार्क्ड प्राइस ऑफ बोतल इक्वल टू रुपीज 60, डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू 20%, देन कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट विल बी इक्वल टू MRP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाय 100। 60 रुपीज इंटू 100 माइनस 20 डिवाइड बाय 100, 60 इंटू 80 डिवाइड बाय 100, 0 to 0 कैंसिल, रुपीज 48। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 बोतल इज रुपीज 48, कॉस्ट ऑफ 2 बोतल्स इक्वल टू 48 into 2, 96 रुपीज। Now, how many rupees Rohit has? Rohit has money equal to rupees 100. और उसको पे कितना करना है? Rohit would pay for 2 water bottle इक्वल टू रुपीज 98। सो आप क्या बोलोगे, यस रोहित कैन बाय 2 water bottles। ये करना था आपको इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, रीमा बोट अ शेल्फ विच कॉस्ट रुपीज 18,000, शी गो 20% डिस्काउंट ऑन इट, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शेल्फ। अब देखिए क्वेश्चन में ओरिजिनल प्राइस पूछा गया आपसे, और जो ये प्राइस गिवन है 18,000, दैट इज द प्राइस विच इज रीमा पेड टू शॉपकीपर। ये वो प्राइस है जो कि रीमा ने पे किया है, उसका एमआरपी क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए देखिए फॉर्मूला हम देखते हैं। फर्स्ट वी विल राइट रीमा बोट शेल्फ इक्वल टू रुपीज 18,000, मीन्स दिस इज कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट।
डिस्काउंट परसेंट, ट्वेंटी परसेंट, एंड व्हाट इज फॉर्मूला? कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट इज इक्वल टू जो ओरिजिनल प्राइस है या फिर मार्क्ड प्राइस है वो ओरिजिनल प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाय 100। कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट इज 18,000 इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस एज इट इज 100 माइनस 20 डिवाइड बाय 100, दैट विल बी इक्वल टू 100 माइनस 20 अगर हम करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा इनटू 80। 0 to 0 कैंसिल। आप लोग इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, 2 4 2 5। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 मल्टीप्लाई होगा 18,000 से और 4 डिवाइड में जाएगा, सो ओरिजिनल प्राइस विल बी इक्वल टू 18,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 4। कैंसिल करते हैं, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, आफ्टर दैट 2 0। नाउ वी विल मल्टीप्लाई 0 0 5 2 2, दैट इज 22,500। आपकी बुक में इसका आंसर 21,600 गिवन है। अगर आप 21,600 उसका एमआरपी लेंगे तो वहां से एक बार देखते हैं कि क्या हमारा जो ये प्राइस है जिसपे रीमा ने खरीदी है वो आता है या नहीं। अगर आता है तो आंसर ठीक है, अदरवाइज आंसर पीछे रोंग है। कैसे करेंगे हम, 21,600 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट दैट इज 20%, 100 माइनस 20 80 इंटू 100, ये कितना आना चाहिए 18,000 के इक्वल। 0 to 0 कैंसिल, 0 to 0 कैंसिल। मल्टीप्लाई करते हैं, 6 8 जा 48, 4 8 प्लस 4 12, 1 8 2 जा 16 प्लस 1 17, तो ये कितना आ रहा है 17,218 80। लेकिन हमारा आंसर क्या, क्वेश्चन में क्या गिवन है 18,000, सो पीछे जो आंसर है वो रोंग है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 30 pupils वेंट टू अम्यूजमेंट पार्क, ईच टिकट कॉस्ट ₹450, ईच स्टूडेंट वॉज गिवन अ डिस्काउंट ऑफ 15%, हाउ मच डिड दे पे फॉर द टिकट्स इन टोटल। वन टिकट की कॉस्ट है ₹4,450 और डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है 15%। देन वी विल फाइंड आउट कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट। ईच टिकट प्राइस इक्वल टू और कॉस्ट इक्वल टू रुपीज 450, देन डिस्काउंट परसेंट इज 15%। नाउ कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट दैट इज ओरिजिनल प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाय 100, दैट विल बी इक्वल टू 450 इंटू 100 माइनस 15 डिवाइड बाय 100, 450 इंटू 85 डिवाइड बाय 100। 0 to 0 कैंसिल, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, देन आफ्टर वन डिजिट वी विल पुट अ डेसिमल, दैट विल बी इक्वल टू 3,825 डिवाइड बाय 10, देन वी विल गेट रुपीज 382.50। देन वी हैव 30 चिल्ड्रेन, देन टोटल
They paid for tickets equal to 382.5 into 30. Now we will multiply 0, 5 threes are 15, 3 twos are 6 plus 1 7, 8 threes are 24, 3 threes are 9 plus 2 11. Now we will put a decimal after one digit. Then we will get rupees 11,475. Question number 6. The price of t-shirt is rupees 848. Raman bought it for rupees 636. What percent of discount did he get? So first we will write, आपको बताना क्या इसमें कितने परसेंट डिस्काउंट मिला है. फर्स्ट वी विल राइट प्राइस ऑफ टी शर्ट दैट इज इक्वल टू 848. देन रमन बोट इक्वल टू फॉर रुपीज 636. नाउ वी विल चेक डिस्काउंट. डिस्काउंट दैट विल बी इक्वल टू 848 माइनस 636. दैट विल बी इक्वल टू 8 माइनस 6 2, 4 माइनस 3 1, 8 माइनस 6 2, 212. नाउ डिस्काउंट परसेंट, जैसे प्रॉफिट परसेंट निकालते थे सेम हम डिस्काउंट परसेंट फाइंड आउट करेंगे. डिस्काउंट डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस. ओरिजिनल लिखो या मार्क्ड प्राइस लिखो एक ही बात होती है. इनटू 100 दैट विल बी इक्वल टू 212 डिवाइड बाय 848 इनटू 100. अब इसको हम कैंसिल करते हैं, ये 4 से जाएगा. 212 इंटू 4 करेंगे तो 848, फिर से 4 से कैंसिल किया तो दैट इज इक्वल टू 25%. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे.